वेलकम बैक टू माय चैनल टू यम्मी फूड। आज हम बनाने वाले हैं चीज पाव, वो भी 5 डिफरेंट टाइप्स में। ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस लगता है, तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसे। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं? पहले तो हमें लगेगा पाव, जिसे हमें बटर में सेक लिया है, ग्रेटेड चीज, बॉइल्ड पोटेटोस एंड चाट मसाला। बनाना शुरू करेंगे। पहले तो हमें इस पाव पर चीज डालना है। अब हम इसमें पोटैटो डालेंगे, तो हम फिर से इस पे चीज डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और हमारा ये पहला टाइप का चीज पाव रेडी है। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ चीज पाव रेसिपी। तो इसके लिए हमें लगेगा ग्रेटेड चीज, सेजवान चटनी और पाव, जिसने हमें बटर में सेक लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। पहले तो हमें इसमें सेजवान चटनी डालनी है। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हम इसे। अब हम इसमें डालेंगे चीज। और ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ चीज पाव रेडी। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप वाला चीज पाव। इसे आप बिल्कुल भी देखने का मिस मत कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। पहले तो हमें लगने वाला है शिमला मिर्च, हमने पाव बटर में सेक लिया है, कैबेज, ग्रेटेड चीज, स्लाइस्ड पोटैटो, मेयोनीज एंड चाट मसाला। तो अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। पहले तो हम इसमें चीज डालेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम इसके ऊपर पोटैटो डालेंगे, फिर अब हम इसके ऊपर कैबेज डालेंगे, अब हम इसके ऊपर मेयोनीज डालेंगे, अब हम इस पर चाट मसाला, अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और अब हम इसके ऊपर फिर से ग्रेटेड चीज डालेंगे। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और हमारा थर्ड टाइप ऑफ चीज पाव रेडी है। अब हम देखने वाले फोर्थ टाइप का चीज पाव। इसके लिए हमें लगेगा पाव, जिसने हमें बटर के साथ सेक लिया है, पोटैटो, चीज एंड पिरी पिरी मसाला। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। पहले हम इस पर चीज डालेंगे। अब हम इस पर पोटैटो डालेंगे, फिर से चीज डालेंगे, अब हम इस पर पिरी पिरी मसाला डालेंगे। ये मसाला थोड़ा ज्यादा डालना, जिससे आपको ये स्पाइसी टेस्ट मिलेगा। अब हमारा फोर्थ टाइप ऑफ चीज पाव रेडी है, जो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। यह है लास्ट एंड फिफ्थ चीज पाव रेसिपी। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। हमें इसके लिए लगने वाला है चॉकलेट सॉस, चॉकलेट स्प्रिंकल्स, चीज एंड पाव। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले चॉकलेट सॉस डालेंगे। आपके पास अगर चॉकलेट सॉस नहीं है तो आप नटेला भी यूज कर सकते हैं या हर्शीज का सिरप भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट स्प्रिंकल्स और अब हम इसमें डालेंगे चीज। ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारा लास्ट एंड फिफ्थ चीज पाव रेसिपी हो गई। हमारे पांचों चीज पाव रेडी है। ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए।